एस गाड़ी भाई हर कुछ लग रही है, बहुत ही बेमिसाल। और गियर इतने स्मूथ है ना दोस्तों इसके, मुझे मतलब मजा आ जाता है आज मैं गियर डालता हूँ इसके। सो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 12 और अभी हम पहुंचे सुन्नी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो टाइम हो रहा है सुबह के 11 और भाई आज मैं जा रहा हूँ गोल्लू भाई की गाड़ी लोड करने। आप लोग बोलते थे कि मितू भाई यार काजा जाओ, लाहौल स्पीति जाओ, तो भाई आज हम जा रहे हैं काजा के लिए। तो गाड़ी मैं आपको दिखाऊँ, गाड़ी मैंने भाई स्टार्ट कर दी है गोल्लू भाई की। गोल्लू भाई की अभी ब्रांड न्यू गाड़ी 2022 मॉडल और आप देखोगे अंदर से भी गोल्लू भाई ने मतलब बिल्कुल ओके रखी है गाड़ी। हम क्या करेंगे, गाड़ी निकालेंगे यहाँ से और लोडिंग के लिए निकलेंगे अंदर को। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आज बढ़िया नई गाड़ी में दिखाऊंगा सब कुछ, है ना। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे लिए ना इस गाड़ी को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मेरी गाड़ी का एक्सेलरेटर भी ऐसा ही है, पर ना इसमें ना यार ये गाड़ी कुछ मतलब लेट एक्सेलरेटर दे लेती है। अब ये जैसे आपको पता है नई गाड़ी है मेरे लिए चलाने के लिए, तो मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ भाई मेरे को ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब सी चल रही है, पर ऐसा नहीं है, चल बहुत अच्छी रही है, बहुत ही स्मूथ गाड़ी भाई। और इतनी स्मूथ ऊपर से भाई आवाज़ें जैसे भी निकाल रही हो, भाई 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 रुक जा इधर आ जा कहाँ जा रही है। गोलू भाई को बोलना पड़ेगा भाई जी इसको गाड़ी को चलाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अंदर के लिए, और इस तंग लाइन में पहले ही इतना डर रहता है कि भाई कहीं गाड़ी लग ना जाए। तो चलते हैं सीधा अंदर, मिलता हूँ मैं आपको। सो दोस्तों अभी मैंने गाड़ी के फट्टे फट्टे खोले, भाई फट्टे ना इसके बहुत ही भारी है, और ना आप देखोगे गोलू भाई ने तिरपाल भी ऊपर ही डाल रखा है। मेरे को लगता है इसमें पूरा तिरपाल भी डालना पड़ेगा पीछे डालने तक। ऊपर से तो पानी घुसने के चांस कम है, पर पिछली तरफ से हो सकता है क्योंकि सीमेंट आपको पता है, और सफ़र भी 450 किलोमीटर के आसपास का है। तो देखते हैं गोलू भाई आएंगे तभी लगेगा अगली बात का पता, क्योंकि अभी इसके बाद अपनी गाड़ी मैंने स्टैंड लगवा रखी है, उसको भी लोड करना है आके। पहले इसको लोड करके बाहर लगाएंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी लेकर आएंगे अंदर। एक गाड़ी रह गई मेरे से आगे, उसके बाद मेरी गाड़ी लोडिंग के लिए लगेगी, फिर टाइमली बाहर को निकलेंगे, फिर देखते हैं अगला चक्कर। सो दोस्तों गाड़ी मैंने लोड कर ली है और फट्टा वगैरह भी लगा लिया, सारा डाला फट्टा सब कुछ। अब क्या करेंगे, गाड़ी निकालेंगे यहाँ से क्योंकि अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए फिर से आना है। बड़ा ही लंबा सेल्फ ले रही है गाड़ी यार, देखते हैं चलते हैं दोस्तों। और गियर इतने स्मूथ है ना दोस्तों इसके, मुझे मतलब मजा आ जाता है आज मैं गियर डालता हूँ इसके। हट जा भाई छोटी मशीन, सफाई करने वाली मशीन लगी है भाई जी। आजा निकाल ले भाई इस तरफ को। अभी तो बड़ी ही स्मूथ चल रही है दोस्तों, मजा आ रहा है मतलब गाड़ी चलाने में, अजीब सा फील नहीं दे रही है गाड़ी भाई। टाटा की ना नई गाड़ी ना कुछ कमाल है, मतलब कमाल कह सकते हैं। आवाज भी नहीं लग रही है गाड़ी में कुछ आवाज हो, या फिर मतलब अगर शीशा बंद कर लें तो फील नहीं होगा कि बाहर गाड़ी आवाज कर रही है या चल रही है गाड़ी। बस गोलू भाई ने ये कवर सा लगाया स्टीयरिंग में ना, इसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहा है मीटर वगैरह ढंग से। तो दोस्तों गोलू भाई गाड़ी लोड करके बाहर लगा दी मैंने वहाँ पीछे, अब जा रहा हूँ मैं अपना गेट पास लाने SDTO यूनियन की तरफ, और गाड़ी आप लोग देख रहे हो वहाँ लगी हुई है। सिक्योरिटी वाला कह रहा है कि भाई गाड़ी हटा दे, मैंने बोला भाई रुक जा थोड़ी देर अपना गेट पास ले आता हूँ और खाना खा आता हूँ, उसके बाद तेरी गाड़ी हट जाएगी। और आज मौसम भी कुछ ऐसा ही है, हल्का हल्का सा बारिश के भी चांस लग रहे हैं, पर चलो पहले अपनी गाड़ी भी लोड कर लेते हैं उसके बाद अगला सिस्टम देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना गेट पास, और यार गेट पास तो मैं ले आया, मैंने गाड़ी लोड करनी क्योंकि अपनी गाड़ी का चक्कर मैं नहीं लगा रहा हूँ, कोई और लगाएगा क्योंकि मैं तो काजा जा रहा हूँ। और भाई ये चेक करो आप, गाड़ी चेक करो भाई, कमाल लग रही है अभी, है ना। एस गाड़ी भाई हर कुछ लग रही है, बहुत ही बेमिसाल। सो दोस्तों आगे वाली गाड़ी भी हमारी ही है और पीछे वाली गाड़ी भी हमारी है। अब क्या करेंगे, पीछे वाली गाड़ी को छोड़ के आऊँगा एक दोस्त के पास जो इसका चक्कर लगाने जाएगा,
तो अपनी गाड़ी निकालते हैं अब दोस्तों, स्टार्ट हमने कर दी है तो चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हम घर से निकल चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, कल रात को जैसे कि लेट हो गए थे तब निकले नहीं, अभी सुबह सुबह जा रहे हैं क्योंकि दिन में सफर भी निकल जाता है, शाम तक कहीं पहुंच जाएंगे, 200 किलोमीटर तो कर ही देंगे तकरीबन। और अपने साथ अभी गोलू भाई गाड़ी चला रहे हैं और एक और भाई है, भाई आपका नाम क्या है? दीपक। और अपने साथ एक भाई और है, दीपक भाई। तो अभी हम तीन लोग जा रहे हैं और अभी धामी से आगे पहुंचे। अब धामी आप बोलोगे कि मितु भाई धामी कहाँ हुआ? अब जिन लोगों ने मेरा छितकुल वाला ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि धामी कहाँ है, और जिनको नहीं पता होगा तो वो जाके छितकुल वाला ब्लॉग देखे, पूरी सीरीज आपको पता लग जाएगा। अगर मैं आपको आगे का सीन दिखाऊं तो आगे का सीन कुछ ऐसा है। क्योंकि हम लोग ये काजा की सीरीज एक साथ करने वाले हैं, आप लोगों को मजा आएगा, तो इसी तरह से बने रहिए, चलते हैं आगे की तरफ। सो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 12 और अभी हम पहुंचे सुन्नी। गाड़ी के ना चक्के यार गर्म हो गए हैं क्योंकि काफ़ी सफ़र हो गया, उतराई थी तब जाके थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है गाड़ी को। अगर मैं आप लोगों को इधर उधर का व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है ना। अब हम लोग, मैंने आपको एक बार बताया था कि हम लोग चाबे वाले रोड से होकर जाते हैं, तो उस रोड में पड़ गए हैं। गाड़ी आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लगाई हमने रेस्ट देने के लिए, थोड़ी देर यहाँ पे आधा एक घंटा रेस्ट देंगे गाड़ी को, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। आपको मैं इधर उधर दिखाऊं भाई, अब ना ये रोड थोड़ा खतरे से खाली नहीं रहता तकरीबन, रोड में मतलब गाड़ियाँ भी चली रहती है और सारा ही रोड सिंगल रहता है और ऊपर से पत्थर आने के डर रहते हैं। तो भाई अब थोड़ा रेस्ट देके चलेंगे आराम से। तो दोस्तों अभी गोलू भाई गाड़ी में डाल रहे हैं आपका यूरिया, जिसको आप लोग कहते हैं एड ब्लू, जो पोल्यूशन फ्री के लिए डाला जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो भाई ये पूरी बाल्टी पड़ेगी इसमें, अभी इस तरह की मेरे हिसाब से 3 बाल्टियाँ या 2 बाल्टियाँ इसमें पड़ जाती है। कितनी बाल्टी पड़ती है गोलू भाई इसमें? ढाई बाल्टी इसमें एड ब्लू की पड़ जाती है। तो ये डालेंगे, तब तक हमारी गाड़ी के चक्के भी ठंडे हो जाएंगे। और मेरे भाई वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा रेड में। अभी ये बाल्टी भी फुल करेंगे हम लोग। भाई इस बार तो हम ना वो क्या कहते हैं उसको, गाड़ी में खाने वाला भी ब्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सो दोस्तों ये है सतलुज नदी और भाई ये देखो आप, बोट चली हुई है इसमें। अगर भाई ना रुक जाए ना कहीं बीच में ही तो बस फिर।
दोस्तों अभी हम रामपुर के आसपास हैं और भाई ये देखो आप रोड की हालत। और सामने भाई प्रोजेक्ट देखो आप, शाम के बज रहे हैं 5 और हम पहुंचे रामपुर और ये व्लॉग हो रहा है लंबा, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए जय श्री राम। तो दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म, अभी के लिए जय श्री राम।